हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की जो वीडियो है ये काफ़ी नॉलेजबल होने वाली है। तो जो आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, आपकी बी फॉर्म सेंक्शन में एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसी के मैं आपको आज यूनिट फर्स्ट से और यूनिट फिफ्थ तक ऐसे एमसीक्यू बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लोगे तो आप अपनी क्लास में 80+ मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजबल होने वाली है और गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और गाइस आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है, उससे पहले आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो वीडियो लास्ट तक देखनी है। और गाइस मैं इस वीडियो से पहले एमसीक्यू पर और भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जान के चेक कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। और गाइस आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस जो हमारा अब फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है ये काफ़ी ज़्यादा हमारा फंक्शन मतलब प्रोवाइड कराता है करता है, और जो लास्ट में कह रहा है वो बुझा व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब हमें यहाँ पे यही बताना है जो मतलब नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है वो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है। इतना ही बताना, मतलब जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट कौन सी है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, यहाँ न्यूरॉन जो लिखा है ये इसका करेक्ट आंसर है। जो न्यूरॉन होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाला होगा। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है वो है द न्यूरॉन सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे ये बताना जो न्यूरॉन सेल होती हैं वो दिए गए ऑप्शन में से किससे मिलकर बनी होती हैं। इतना ही बताना है, मतलब जो हमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें से जो न्यूरॉन सेल होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। देखिएगा जो भी मैंने सवाल लिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका एक बार देख लेना, अच्छे से याद कर लेना और वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव ये इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारे तीनों ही हैं मतलब जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं ABC ये इसके राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये इसका राइटली करेक्ट आंसर है। तो आपको जो इसका करेक्ट आंसर करना है वो ऑप्शन डी वाला करना है। देखिए गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, हुआ हाउ डू न्यूरॉन कम्युनिकेट विद वन अदर। तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे यही बताना है मतलब जो न्यूरॉन होते हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं। इतना ही बताना मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से जो हमारे न्यूरॉन होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन है और काफ़ी बार आ भी चुका है एग्जाम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बात करें यहाँ पे इसके मतलब आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी ये इसका करेक्ट आंसर है। जो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है इलेक्ट्रिकली और जो बी में दे रखा है केमिकली, ये दोनों इसके राइट आंसर है। इन दोनों से हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए जो यहाँ पर इसका राइटली करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी वाला है। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, वो है व्हाट इज द कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे यही बताना है मतलब जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर का है। इतना ही बताना है, काफ़ी सिंपल सा है और एग्जाम में काफ़ी बार आ भी चुका है। गाइस ये नीट के एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन ऐसे, तो उसकी भी आपकी तैयारी होती रहेगी साथ ही साथ, और जैसे आप बी फॉर्म सेंट सेम में हैं तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनका एक बार पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेना सब कुछ। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, जो हमारे कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव ये इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारे तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर के ये तीनों ही हमारे कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, इसलिए जो इसका राइटली यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी वाला है। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो है द सेल डेट कंडक्ट मैसेज टूवर्ड द ब्रेन आर द। तो क्या बताना है यहाँ पे, यहाँ पे यही बताना है मतलब दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी सेल है जो हमारे मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाती है। मतलब ये जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ऐसी कौन सी सेल है जो हमारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है, इतना ही बताना है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है सेंसरी न्यूरॉन्स ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं ये ऐसी सेल होती हैं जो हमारे मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाला होगा। देखिए जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप सभी क्वेश्चन पढ़ लेना, जो है विच ब्रेन एरिया कोऑर्डिनेट स्केलेशन मसल्स मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे यही बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे ब्रेन के कोऑर्डिनेट स्केलेशन मसल्स को मूवमेंट करता है। मतलब जो हमारा ब्रेन होता है उसका ऐसा कौन सा एरिया है जो हमारे कोऑर्डिनेट स्केलेशन मसल्स का मूवमेंट करता है, इतना ही बताना है।
तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारे मतलब ब्रेन होता है उसके कोऑर्डिनेट स्केलेटल मसल्स का जो मूवमेंट करता है, जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है केरिबेलम, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो आपको इसका करेक्ट आंसर करना है वो ऑप्शन बी वाला ही करना है। देखिए जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप सबको पढ़ लेना अच्छे से। जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट एंजाइम, तो यहाँ पे क्या बताना है, तो मतलब ये दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। मतलब इतना ही बताना है हमें, जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वाइल, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारे बाइल होता है उसके अंदर हमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाला होगा। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग किल्स बैक्टीरिया डेट एंटर्स अलोंग द फूड, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है दिए गए ऑप्शन में से जो हमारे फूड के साथ अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं उनको किल करने में हमारी मदद करता है। मतलब इतने बताने, जैसे कि आपने कोई मतलब फूड खाया, खाना खाया, उसके साथ में जो बैक्टीरिया चले गए उसको किल करने में कौन सा मदद करता है दिए गए ऑप्शन में से, इतना ही बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका, यहाँ पे जो बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है कि जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो उसके साथ वो जो बैक्टीरिया चले जाते हैं तो उसको किल कर देता है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाला होगा। यहाँ पे जो लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही इसका करेक्ट आंसर है। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है बेसिक नॉलेज के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अब है डक्ट्स ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज यूनाइट इंटू द कॉमन डक्ट एंड ओपन इंटू, तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे इतना ही बताना है, मतलब जो हमारे लीवर और पैनक्रियाज के अंदर डक्ट्स होते हैं वो ओपन कहाँ पर होते हैं, मतलब जिनको हम कॉमन डक्ट्स भी कहते हैं वो हमारे कौन से मतलब पार्ट में ओपन होते हैं, इतना ही बताना है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारे डक्ट्स होते हैं लीवर और पैनक्रियाज के, वो हमारे ड्यूटेनम में ओपन होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ड्यूटेनम होगा, ऑप्शन डी वाला। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू मेल्टोज एंड ग्लूकोज, तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे यही बताना है कि मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को मेल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, मतलब बदल देता है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कार्बोहाइड्रेट को हमारे मेल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है या फिर बदल देता है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है अमाइलेज, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारे अमाइलेज होता है वो करता क्या है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना उसको मेल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब बदल देता है, इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाला होगा। देखिए जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़ लेना। जो है अब अगला क्वेश्चन, ए फिंगरलाइक अपेंडिक्स इज लोकेटेड एट द बेसिस ऑफ द, मतलब यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे यही बताना है, मतलब जो ए फिंगरलाइक अपेंडिक्स होता है वो किसके बेस पर लोकेटेड होता है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे हमें इतना ही बताना है, समझ लीजिए एक बार, जो फिंगरलाइक अपेंडिक्स होता है वो किसके बेस पर लोकेटेड होता है, उसका प्लेस क्या होता है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो जहाँ पे ऑप्शन सी है, यहाँ पे जो लिखा है सीकम, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो सीकम होता है उसी के बेस पे हमारे जो ए फिंगर लाइक अपेंडिक्स होता है वो लोकेटेड होता है, इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाला होगा। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द एक्चुअल चेंज इन फ्री एनर्जी, तो यहाँ पे क्या बताना है, काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे यही बताना है कि मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक्चुअल चेंज फ्री एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है दिए गए ऑप्शन में जो हमारे एक्चुअल चेंज फ्री एनर्जी होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इतना ही बताना है। तो आप मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइए। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, वैसे पढ़ने में ये लंबा सा क्वेश्चन है, वैसे जो इसका आंसर है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे इतना ही बुझा, एक बार और समझ लीजिए कि मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एक्चुअल चेंज फ्री एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इतना ही बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये क्वेश्चन है, आप मुझे जो इसका आंसर है वो कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज, तो काफ़ी सिंपल सा है ये भी, यहाँ पे यही बताएं जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, मतलब हमेशा कौन सी दिशा में होती है या फिर वो क्या किसके लिए जानी जाती है, इतने यहाँ पे बताना है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, काफ़ी सिंपल सा है ये, जो यहाँ पे ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीजिंग के रूप में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाला होगा। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, हुआ है हाउ मैनी लूब्स आर प्रेजेंट इन राइट लंग्स,
तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे यही बताना है कि हमें जो राइट लंग्स होता है उसमें हमारे कितने लूप्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स होते हैं उसमें कितने लूप्स होते हैं। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, यहाँ पे जो लिखा है थ्री, हमारे थ्री लूप्स होते हैं राइट लंग्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे राइट लंग्स होते हैं उसमें कितने लूप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इसका यही करेक्ट आंसर है। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर करना है वो ऑप्शन बी वाला ही करना है। देखिए जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, वो है इन्फ्लामेशन ऑफ प्यूरल कैविटी इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे क्या बताना है, मतलब जो प्यूरल कैविटी होती है, जो उसका इन्फ्लामेशन होता है उससे हम क्या कहते हैं, इतने ही बताना है। मतलब आप सपोज करिए जैसे आपकी प्यूरल कैविटी है उसका जो इन्फ्लामेशन है उसे हम क्या कहेंगे, इतना ही बताना है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है प्यूरलसी, इसका एक करेक्ट आंसर है। जो हमारी प्यूरल कैविटी होती है जो उसका इन्फ्लामेशन होता है उसे हम प्यूरलसी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाला होगा। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द लंग्स आर। तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे यही बताना है, मतलब जो हमारे लंग्सों में इनसाइड में जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, या उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इतना ही बताना है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है एल्वियोलाई, तो इसका करेक्ट आंसर है जो हमारे लंग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाला होगा। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़ लेना, ये आ जाता है एग्जाम में और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये सब पूरा क्लियर कर लेना। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट। मतलब यहाँ पे क्या बताना है हमें, यही बताना है मतलब दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, मतलब जो हमारे यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट करता है, मतलब जो हमारे यूरिनरी सिस्टम है उसे एक्सेप्ट करता है दिए गए ऑप्शन में से, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इतना ही बता रहा है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है प्रोस्टेट, ये इसका राइट आंसर है। मतलब जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जो प्रोस्टेट ऑप्शन है उसी को हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसी को एक्सेप्ट करता है, मतलब प्रोस्टेट को। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाला होगा। देखिए जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, जो है द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स ए किडनी टू द यूरिनरी ग्लैंड इज द। तो काफ़ी सिंपल सा है ये भी, यहाँ पे यही बताना है कि मतलब ऐसे कौन सा ऑप्शन है दिए गए ऑप्शन में जो हमारी किडनी को यूरिनरी ग्लैंड से कनेक्ट करता है। मतलब जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारी किडनी को यूरिनरी ग्लैंड से कनेक्ट करता है, इतना ही बताना है। तो काफ़ी सिंपल सा है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यूरेटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो यूरेटर है वो करता है क्या है, जो हमारी किडनी होती है उसको यूरिनरी ग्लैंड से मिलाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाला होगा। देखिए जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, जो है व्हाट ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट सुपीरियर टू द किडनीज। तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे यही बताना है मतलब जो हमारी किडनी का सुपीरियर पार्ट होता है उस पर कौन सा ग्लैंड हमारा लोकेटेड होता है, इतना ही बताना है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है एडेनल, ये जो एडेनल ग्लैंड होती है यही हमारी जो किडनी का सुपीरियर पार्ट होता है उस पर लोकेटेड होती है। तो काफ़ी सिंपल सा है, तो आप इसको एक बार देख लेना और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप पढ़ लेना। तो इसका जो ऑप्शन आपको करना है वो करेक्ट बी वाला करना है। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, जो है ह्यूमन स्पर्म मूव विथ द हेल्प ऑफ। तो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे यही बताना है जो ह्यूमन स्पर्म होता है वो किसकी वजह से हेल्प करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए वैसे मुझे आपको आज 25 MCQ बताने थे, बट कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ इसलिए मैं आपको आज 20 MCQ बता रहा हूँ। तो मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको 25 MCQ बताऊँगा और वही इसी टॉपिक के होगी कि जो मैं आपको एक यूनिट से और जो फिफ्थ यूनिट है उसे सबके MCQ एक ही वीडियो में बता दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी ही लाऊँगा, वो इसी पर होगी। तो आज के लिए बस ये 20 MCQ है, तो ये आप ध्यान से देख लेना। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी गाइस ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना। और गाइस आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और गाइस आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फार्मेसी रिलेटेड डायग्राम और फार्मेसी से रिलेटेड ही अमेजिंग वीडियो मिल सकती हैं। और गाइस मैं इस वीडियो से पहले MCQ पर और भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।